आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की दाल भजिया। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही हेल्दी होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए अब बनाते हैं पालक दाल भजिया। इसके लिए हम गैस पर रखेंगे कुकर। कुकर के गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच तेल। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जब जीरा अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कटी हुई 2 हरी मिर्च। साथ में हम डालेंगे लहसुन 2 से 3 कली। साथ में हम डालेंगे अदरक 1/2 इंच कटा हुआ। अब हम डालेंगे कटा हुआ 1 टमाटर। इन्हें अच्छे से एक बार मिला लेते हैं। अब हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे 100 ग्राम मूंग दाल जो कि हमने पहले से धो के रखी थी। सबको हम अच्छे से भून लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप पालक, ये हमने पहले से धो के साफ करके और काट के रखी थी। इन सबको हम अच्छे से एक बार चला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 ग्लास पानी। पानी डालने के बाद एक बार इन सबको मिक्स कर दीजिए और इसे लिड लगा के 3 से 4 सीटी होने तक इसे हम पकने देंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारी दाल कैसी दिख रही है। ये देखिए 3 से 4 सीटी के बाद दाल पक चुकी है। अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए हम लेंगे 1 पैन, उसमें डालेंगे हम बटर। आप इसकी जगह देसी घी भी यूज कर सकते हैं। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा के गोल्डन होते ही हम इसे हमारी बनाई हुई दाल में डाल देंगे। ये देखिए हम डाल रहे हैं। अब इन सबको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और हमारी अब दाल भजिया पालक की तैयार है। ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।